हेलो फ्रेंड्स, आज अपना नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने कल बेसिक कंपाउंड में सीखा था कि स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, इसमें नंबर अपना पार्ट डिज़ाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने कल पैड और पॉकेट के बारे में पढ़ा था, आज हम शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रू करना पड़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्लेन स्केच करते हैं। राइट क्लिक, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट बेंच, एक्स वाई सॉल्यूशन, वाई जेड प्लेन एंड स्केच। तो हम आज शाफ्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो हम शाफ्ट बेसिकली जैसे अपन सर्कल बनाते हैं ना, तो उसी के लिए होती है शाफ्ट को, जैसे कोई सर्कल बना, लेकिन वो किसके लिए शाफ्ट यूज करते हैं, ताकि जैसे कुछ ज़्यादा सर्कल दे रखे हों। ठीक है, इसमें अपनों क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इधर से स्टार्ट किया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, आगे एक पॉइंट, फिर अपना ये पॉइंट, पॉइंट, ये अपना बेसिकली सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें पूरा सर्कल रहेगा अपना, जैसे कि ये कमांड है। ठीक है, तो इसको अपने करना है, शाफ्ट करना है। तो शाफ्ट करने के बाद एक कैसा शो होगा, कोई डायमेंशन नहीं डाल रखा है। ठीक है, एग्जिट एग्जिट साफ्ट साफ्ट क्लिक करेंगे, इसको हमें क्या एक्सिस देना है। ठीक है, 360 रोटेट होगा पूरा, ये कितने में कर सकते, 360 रोटेट होगा, सेकंड का जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना, सेक्शन पे क्लिक करना है, नो सिलेक्शन, तो अपने को ये एक्सिस देना है। एक्सिस देने के बाद में इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका प्रीव्यू ऐसे बनेगा, क्योंकि 360 रोटेट होगा। अगर हम एंगल कम करते हैं, जैसे कि हमने एंगल कर दिया 300 डिग्री पे एंगल किया, तो ये ऐसे दिखेगा, जो बीच का ये पार्ट है ये क्या फॉलो देखेगा 300 डिग्री के हिसाब से। जैसे हमें एंगल चाहिए 180, तो ये 180 तक ही क्या होगा, तो 180, तो ये 180 हाफ दिखेगा ये। यानी बेसिकली इस कमांड का हम यूज परपज क्या, इस कमांड का यूज करते हैं, इस कमांड का हम यूज इसलिए करते हैं, जैसे कि हमने इसको बनाया। ठीक है, और यही चीज़ अपन सर्कल ले लेके बनाते हैं, तो अपने कितना सर्कल बनाता है, एक सर्कल, उसका फिर पेड करो, फिर ये सर्कल, फिर उसका पेड करो, फिर इधर से पॉकेट, यहाँ से इधर से पॉकेट मारो, फिर इतना इधर से पॉकेट मारो, तो ये बनता। तो इसमें क्या बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ वापस, फाइल पेज पार्ट डिज़ाइन एंड इंटर, ओके। ठीक है, जैसे कि वही चीज़ अपन इसके अंदर बनाते, सर्कल के अंदर कैसे बनती है, वो सर्कल लिया मान लो पहले एक हमने, ठीक है, सर्कल लिया, उसका पेड किया हमने, ठीक है, मान लो 20 का पेड किया हमने, प्लेस कर बना रहे हैं, फिर वापस इसके ऊपर एक सर्कल लिया, तो इसमें क्या अपना टाइम ज़्यादा लगता है, उसके अंदर अपना क्या है, टाइम कम लगेगा। जैसे कि एक सर्कल लिया, उसका हमने क्या किया, पेड किया 40 का पेड किया, ओ सॉरी, आई थिंक ये 400 का हो गया, इसकी जगह इसका पेड किया। ठीक है, ये ऐसे बन रहा है, इसको पॉकेट करेंगे, तो इसको डबल पॉकेट करना पड़ेगा, इधर से पॉकेट किया, इधर क्लिक मार के इस पर पॉकेट इन ऑल पे करेंगे, तो अपने आप क्या सेंटर पे आ जाएगा, ये इधर से पॉकेट किया, इधर से मान लो कि हमने दिया था इसको 40 और इधर से 60, एंड टोटल 60 का है, तो हम 25 का पॉकेट करेंगे, इधर से 25 का पॉकेट इधर से किया, फिर या फिर इसको मिरर करो, या इसको इधर से पॉकेट करो, फिर वापस 25 का फिट एंड होल्ड करो, फिर इसको वापस इधर से 25 का पॉकेट दो, तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है अपने को, तो इतनी बड़ी प्रोसेस करने के बाद अपने को ये मिलता, फिर वापस एक और पॉकेट मारना पड़ेगा, क्यों, होल दिखाने के लिए, तो इसको क्या एक और पॉकेट मारो, इस पर क्या अपने को होल दिखेगा, तब जाके इतना प्रोसेस करना पड़ता, तब जाके अपना ये कमांड बनती। बगैर सॉफ्ट में एक बार में होता है, सॉफ्ट में क्या है, एक बार के अंदर की अपने पास पूरा चीज हो गया था। तो सॉफ्ट कमांड का बेसिकली पर्पज यूज होया कंट्रोल टेप, कंट्रोल टेप दबा के, जैसे दूसरा न्यू फाइल खोलते हैं वो कंट्रोल टेप दबा के आ जाता है,
इसी हमने दो फाइल पे काम कर रहे हैं, दो पेज पे काम कर रहे हैं, दो वर्क बेंच अपने पास में, तो कंट्रोल टैब से कंट्रोल टैब दबाओ, पहली दूसरी जैसे ये दिख रहा है तो आप सोच रहे हो साफ पे क्लिक करो कि वापस आ जाएगा ये अपना, तो साफ का ये काम। अब जैसे हम बात कर रहे थे गुरु की, तो गुरु के एक प्लेन सेलेक्ट करो, ठीक है। इसके लिए भी अपने को एक प्लेन चाहिए, वो भी उसके हिसाब से हमने प्लेन लिया है वाई जेड प्लेन, है। अब इस पे एक स्केच बनाओ, आपको गुरु करना सिखाते हैं, रफली एक स्केच बनाओ, बहुत सारे रफली एक स्केच बनाते हैं हम एक, जैसे कि हमें इतने इतने स्लॉट का ये चाहिए, ठीक है। इसको कंप्लीट कर रखा है ना, 45 डिग्री कर दो उसको, 45 पे ले लेते हैं, इधर से लेंथ डाल देते हैं, इस लेंथ का बहुत कपड़ा रहता है, इसमें लेंथ डाल देते हैं 25 का मान लो, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट एग्जिट, अब इसको करेंगे साफ, मतलब कि अपना पहुंच नहीं रहा है। स्केच भी वापस क्लिक करो, थोड़ा लेंथ बढ़ाओ इसको, इसकी जगह हम करेंगे मान लो हमने की दिया 30, और एंगल दे दिया हमने, एंगल दे दिया हमने 30 का, एंगल दे दिया 30 का, ठीक है। अब इसको साफ करते हैं, वे साफ होगा, तो क्या समझ में भी आना चाहिए साफ क्या कर रहे हैं। इसके सेक्शन पे क्लिक करो, इसके थ्रू साफ करना है, तो ये देखो ये इस तरह से एंगल पे क्या कट आउट हो जाएगा अपना, यानी कि साउट भी एक पॉकेट की तरह यूज होता है, लेकिन वो अपने को किस तरह से कट आउट करना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है ये, ठीक है। इसलिए हम इसका सॉफ्ट का यूज, ग्रुप भी एक पॉकेट का यूज होता है, सॉरी। अब होल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, होल सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अपने को इसमें टाइप देखते हैं पहले, पास क्या क्या टाइप है। सिंपल होल है, इसमें से अपन पॉकेट मारते हैं वैसे सिंपल बनेगा, थ्रेडेड है, ठीक है, इस टाइप का होगा। हम ज़्यादा यूज़ करते हैं काउंटर बोर का, काउंटर बोर मतलब जैसे कि मैंने एक चीज़ बताया था आपको कि पहले 30 का है फिर उसके अंदर 50 का, जैसे कि ये होल हो गया, ठीक है। जो एलन बोल्ट होता है ना उसके लिए काउंटर का मारते हैं अपन, ठीक है। इधर सेलेक्ट किया, इस ऊपर वाला का बड़ा, जो ये बड़ा वाला दिख रहा है ये ऊपर का डायमीटर होगा, इसके अंदर एलन का ऊपर वाला बैठेगा और नीचे वाला थ्रेड छह के डाल दिया, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया, डेप्थ अपने को जितनी डेप्थ चाहिए उतनी डेप्थ, डायमीटर कितना चाहिए नीचे का, छह का बोल्ट है, ठीक है। तो इसको क्या स्केच पे क्लिक करेंगे, स्केच पे क्लिक क्यों किया है, ताकि हमें पॉइंट ले सके कि भाई अपने को इतने डिस्टेंस पर चाहिए, जैसे कि अपने को ये एक्सटेंड कर दिया इस लाइन से, ये अपने को इस पे क्लिक करके इस लाइन से अपने को ये चाहिए 95 पे, ठीक है, 95 पे क्लिक कर दिया। फिर इधर से एग्जिट, ठीक है, प्रीव्यू, और इधर तो ये अपना क्या ऐसे बन जाएगा ये। तो इसमें क्या अपने को काउंटर बहुत अच्छे, अब जैसे उन्हें इसमें चार चाहिए, कितने चाहिए अपने को, चार, इसका चार का यूज करना है। तो अगर दो का यूज करना होता तो अपन इधर मिरर सेलेक्ट करते हैं और मिरर प्लेन ले लेते हैं, तो इधर मिरर आ गया उसका, ठीक है, मिरर आ गया इस चीज़ का, अगर मिरर सेलेक्ट करना होता तो। लेकिन अगर कंट्रोल जेड से इसको अंडू करते हैं वापस, ठीक है, इसको कंट्रोल वाई से अंडू करते हैं, अगर अपने को चार में जा, अगर अपने को चार नहीं चाहिए तो उसके बजाय अपने को, सॉरी, दो नहीं चाहिए उसके बजाय अपने को छह चाहिए इसके ऊपर, तो 6 के लिए इधर से अपने पास या तो डिग्री डालो, ठीक है, या फिर अपने ओनली इतना है कि 6 डालना है, अपने पास एंगल नहीं है तो ऑटोमेटिक एंगल लेता है, ठीक है। सेलेक्ट, इधर डालो नंबरिंग 6, 6 सेक्शन, नो सेक्शन है, इस पर यूज क्लिक करो एलिमेंट पे, अच्छा दिखा दिया, तो कितने डिग्री पे हो रहा है, 60 डिग्री पे है, 360 पे ऑटोमेटिकली 6 है, प्रीव्यू एंड ओके, तो ये अच्छा ओके। अब अपनी नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट कमांड यूज करते हैं, नेक्स्ट कमांड अपने क्या है, सिलेक्ट मैकेनिकल डिजाइन पार्ट डिजाइन, नेक्स्ट कमांड पे अपन आते हैं,
था रिप। तो रिप कैसे करते हैं? तो रिप के लिए अपने को बहुत ही ध्यान से सीखना पड़ेगा उसको, और बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है चीज़। जैसे कि हमने पहले एक नॉर्मल स्केच बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक चीज़ करते हैं, रिप को अच्छे से सीखने के लिए पहले मैं आपको एक कीवी बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको पेड करते हैं, मिरर पेड करते हैं, ओके। रिप तब खुल जाएगा अच्छे से, ओके। ये हो गया, इसको क्लिक करके अपन को स्केच को क्या करना है, शो कर लेना कि भाई अपना स्केच इधर है। अब अपने को एक अपने को रिप करना है तो प्लेन सिलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट किया हमने, प्लेन सेलेक्ट किया। मान लो कि हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, इधर एक सर्कल ले लिया। उस सर्कल को कंसीडर कर दिया इसके साथ में, ओके। हमने स्क्रिप्ट का यूज किया है, पहले सर्कल सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया और फिर यू। तो ये ऐसे पूरा ऐसे दिख जाएगा रिप में, ठीक है। ऐसे अपने को बाहर से लेना है। तो रिप का जैसे पाइप डिज़ाइन हो गया वगैरह, ऐसा कुछ भी, या फिर अपने को बोतल का डिज़ाइन हो गया, इसमें रिप कर देते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे रिप का भी यूज़ कर देते हैं। तो ऐसे रिप का यूज़ किया, अगर अपने को यहीं अपने को स्लॉट का यूज़ करना होगा तो स्लॉट में भी ये करके ऐसे का करो, तो इधर ये क्या है, स्लॉट आ जाएगा, ठीक है। जैसे स्लॉट डालना हो उसके अंदर, तो स्लॉट का यूज हो गया आपके पास में, ओके। अब इधर से अपने को चैम्बर डालिए, अपने को फिलेट करना हो तो इधर से कितना डिग्री फिलेट मारना हो, 5 का, तो 5 का सिलेक्ट कर लो, ओके। तो 5 का फिलेट हो गया। अगर चैम्बर डालना हो तो उसे चैम्बर सेलेक्ट करके चैम्बर डाल दो, फिर यू करके, तो इधर चैम्बर आ गया। ये चीज़ें तो बेसिक है, तो आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। मल्टीपॉकेट है, मल्टीपॉक मल्टीपेड, तो मल्टी सेक्शन सॉलिड का है, मतलब इसमें दो सेक्शन का यूज करके अपन सॉलिड बना सकते हैं। जैसे कि अपन को यूज करके आपको बताते हैं, ओके। आज इतना करके बाकी कल देखते हैं, चलो ये नए सेक्शन में स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया।